ये है स्टाइबलाइजर। और डीजे के लिए ये एक सभी इक्विपमेंट्स में से एक महत्वपूर्ण इक्विपमेंट्स हैं। ये हमारे प्रोडक्ट को सेफ रखता है। तो आप भी स्टेबलाइजर का तो उपयोग करते ही होंगे, लेकिन आपको कुछ नए जानकारी आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं, तो देखते रहिए वीडियो हमारा। वेलकम गाइज, एक बार आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले वो है स्टाइबलाइजर। जी हाँ दोस्तों, डीजे इक्विपमेंट्स में से एक प्रोडक्ट ये भी है जो हमारे डीजे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों यही एक ऐसा प्रोडक्ट है, इक्विपमेंट्स है, जो हमारे पूरे पूरे डीजे के प्रोडक्ट को सेफ रखने का कार्य करता है। अगर ये इसके बिना हम यूज़ करें तो हमारे एम्पलीफायर और स्पीकर्स को डैमेज हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी से, क्योंकि उसके अंदर उसकी वोल्टेज सप्लाई है वो एक तरह से नहीं रहती है, कभी घटती बढ़ती रहती है, उसको कवर ये कर लेता है। तो स्टेबलाइजर क्या करता है, हमारे वोल्टेज हमको कम मिल रहे हैं तो वो बढ़ा देता है, और अगर अधिक कैपेसिटी से अधिक हो जाते हैं तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली कनेक्शन को काट देता है। तो यहाँ पर हमारे डीजे प्रोडक्ट के सभी सामान है उसको सेफ्टी मिल जाती है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसे स्टेबलाइजर की बात करने वाला हूँ जिसके अंदर आपको ऑटोमेटिकली ऑटो कट तो मिलेगा, साथ में वोल्टेज रिकवर के लिए भी ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। इनके जो स्टेबलाइजर थे वो इस टाइप के कुछ थे, और वहाँ पर आपको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर आपको स्विच वगैरह दिए गए थे, जहाँ वोल्टेज कवर करने के लिए यहाँ से आपको उसको वोल्टेज बढ़ाने होते थे, जिससे उसकी लिमिट तक हम उसको सेट कर सकते थे। एक दोस्तों ऐसा स्टेबलाइजर है जिसके अंदर आपको ऑटोमेटिकली वोल्टेज कवर हो जाते हैं, यानी हमारे डीजे के लिए वोल्टेज हमको कितने चाहिए, लगभग 240 के आसपास होने चाहिए। तो इसके अंदर ये ऑटोमेटिकली, जैसे आप इसके अंदर विद्युत का सप्लाई दोगे, ये ऑटोमेटिकली वोल्टेज कवर कर लेगा और 240 वोल्टेज का आउटपुट दे देगा। आज की वीडियो में मैं आपको इसके रिव्यू करूँगा और इसका यूज़ किस तरीके से कर सकते हो और क्या क्या बातें इसके अंदर आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ वो स्टूडियो मास्टर का 5 KV का एक ऑटोमेटिक लाइट कंट्रोलर स्टेबलाइजर है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। और दोस्तों सबसे पहले इसकी मेन एम से भी आपको देखने को मिल सकती है, और ये एक स्टूडियो मास्टर का 5 KV का स्टेबलाइजर है, यहाँ पर देख सकते हो। फिर यहाँ पर इसके इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाते हैं, जो अभी मैं आपको बाद में बताऊँगा इसकी पूरी डिटेल से। फिर यहाँ पर आपको वोल्टेज शो के लिए एक डिजिटल डिस्प्ले मिल जाती है, दो। यहाँ पर इसका मॉडल नंबर है SVC5001 ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर, जो कि एक 5 KV का है। यहाँ पर इसके ऊपर आपको पकड़ने के लिए हैंडल्स मिल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 3 इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, जो एक नॉर्मल, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। तो यहाँ पर दोस्तों ये इंडिकेटर सबसे पहले नॉर्मल ये बताता है कि इस स्टेबलाइजर के अंदर उसकी पावर सप्लाई की कैपेसिटी कैसी है, नहीं उसके उस वोल्टेज कैसे है। वोल्टेज 220 के आसपास है तो वो नॉर्मल हो गया। अगर उसके वोल्टेज 230 के आसपास है तो वो हो जाएंगे हाई, और अगर वो उसके वोल्टेज बिल्कुल 200 के पास ही है तो वो हो जाएंगे लो। तो यहाँ पर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपको डिस्प्ले मिल जाती है वो है एम्पियर की, जो करेंट एम्पियर है। और यहाँ पर आपको और दूसरी डिस्प्ले मिल जाए वोल्टेज की, जो वोल्टेज ये बताएंगे आपको आगे वोल्टेज कितने दे रहे हैं अभी। तो ये यहाँ पर दो डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती हैं। कनेक्शन किया, अब यहाँ से सप्लाई मेन वोल्टेज वो आपको मिल रही है 220, लेकिन डीजे के लिए कम है, तो ये स्टेबलाइजर ऑटोमेटिकली आगे 240 वोल्टेज करके इसका आउटपुट दे देगा। तो इस तरह से ये स्टेबलाइजर काम करता है। तो अब दोस्तों बात करते हैं इसके फीचर्स की। 5 KV का स्टेबलाइजर है स्पेशली जो डीजे इक्विपमेंट्स के लिए बनाया गया है, यानी ये आपको मेन सप्लाई वोल्टेज है वो ऑटोमेटिकली क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। इसके अंदर आपको बढ़ाने घटाने की ज़रूरत ही नहीं है। और दोस्तों अगला इसके फीचर से है कि इसके मेन इनपुट वोल्टेज वो आप 140 से लेकर 260 तक के वोल्टेज को इनपुट दे सकते हो। हाई ओवरलोड कैपेबिलिटी, यानी ये आप इस पर 5 KV का तो हाई लोड, यानी 5 KV तक के लोड को आप इस पर दे सकते हो, ये इसके अंदर पूरा तरीके से सक्षम है। फिर है जनरेटर सूटेबल डिज़ाइन, यानी एक तरह से इसको आप जनरेटर के लिए भी डिज़ाइन किया गया, आप डीजे के लिए जनरेटर यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए आप इसको लगा सकते। अल्टीमीटर डिस्प्ले आउटपुट वोल्टेज, जो वोल्टेज है वो आउटपुट का डिस्प्ले का देता है,
नो मोर ड्रॉप ड्यूरिंग बेस ड्रम्प, यानी जब इस बेस ड्रम्प होगा तो उसके अंदर इसकी वोल्टेज को आपको इसको ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद में आप ये इसकी मैंने डिटेल्स वो यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको इसके इसके अंदर लो नॉइज ऑपरेशन यानी बिल्कुल आवाज़ कम करने वाला है। फिर इसके यहाँ पर आप तापमान के भी देख सकते हो कि ये इतने -5 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को एक्सेप्ट कर सकता है, यानी इसकी गर्मी होते हुए ये चल सकता है, इसके अंदर किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस तरह के इसको बनाया गया है। तो यानी एक डीजे के लिए अगर आपको भी कोई स्टेबलाइजर चाहिए तो दोस्तों ये आप ले सकते हो, डीजे के लिए बहुत ही अच्छा स्टेबलाइजर है। यहाँ पर इसकी प्राइस की बात करूँगा तो वहाँ पर दोस्तों प्राइस इसकी बहुत ही हाई लेवल की है। 5 kV के स्टेबलाइजर की प्राइस है वो है 17,000 रुपये, तो प्राइस में काफ़ी महंगा है। और दोस्तों आप स्टूडियो मास्टर के इसके अलावा आप 1 kV से लेकर 12 kV तक के स्टेबलाइजर को आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पर आपको रिव्यू किया वो है 5 kV का स्टेबलाइजर है जो आप ले सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।